क्या सोच रही हो? सोचने बैठती हूँ तो लगता है कि जो कर रही हूँ वो सही नहीं है। आखिर वो मेरा अपना परिवार है, सब अपने ही लोग हैं। परिवार तो वो होता है अंबा, जो घर के हर एक सदस्य के दुख दर्द में काम आए। रिश्तों को दोनों तरफ से निभाना जरूरी होता है, तभी वो रिश्ता कहलाता है। पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ तुम्हारी भाभियाँ ही तुम्हें बोझ समझती हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे भाई भी वैसा ही सोचते हैं अंबा। तभी तो बीती रात उन्होंने तुम पे विश्वास करने से इनकार कर दिया। अगर चिंतामणि उसका भाई है तो क्या तुम उसकी बहन नहीं हो? लेकिन उसने अपने बहन पे नहीं, केवल अपने भाई पे विश्वास किया। तुम अपने मायके को अपना घर मान के लौट तो आई हो अंबा, लेकिन वो तुम्हें पराई मानते हैं। जो हालात है ऐसी स्थिति में तुम उस घर में अपनी जगह कैसे बना पाओगी, ये सोच सोच के फिक्र हो रही है मुझे। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया अंबा, तुम्हें घने जंगल में अकेला छोड़ दिया। क्या तुम्हारे घर वालों ने कभी इस बारे में घर में चर्चा की? चर्चा तो दूर, क्या कभी उन्होंने तुम्हारे पति से या तुम्हारे सास ससुर से उनकी गलतियों के बारे में बात करने गए? लानत है ऐसे भाइयों पर जो अपने राखी का फर्ज तक अदा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मायके लौटती जब मैंने अपनी आप बीती अपने घर वालों को सुनाई थी, तभी मेरे भाई मेरे पति से बात करने जाने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें मना किया क्योंकि मुझे पता था वहां जाकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। अंबा, तुम उस वक्त बेहाल थी, तनाव में थी, तुम्हारी मानसिक स्थिति ही नहीं थी कि तुम कोई फैसला कर सको। ऐसे हालात में तो किसी का भी दिमाग ना चले। खैर, लेकिन क्या उसके बाद कभी तुम्हारे भाइयों ने दोबारा तुमसे उस बारे में बात की? नहीं। अंबा, मुझे एक बात बताओ, अगर आनंदी या दमयंती कभी किसी बारे में ना कह देती है तो क्या तुम्हारे भाई उन्हें दोबारा नहीं पूछते? तुम उनके स्वार्थ को देख के अनदेखा कर रही हो अंबा। अगर तुम उस घर में रही तो मैं लिख के देती हूँ, उस घर में नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं होगी तुम्हारी। एक बात कान खोल के सुन लो अंबा, वो घर तुम्हारी भाभियों से ज्यादा तुम्हारा है। तुम बेटी हो उस घर की। अगर तुम्हें उस घर में इज्जत नहीं मिल रही है तो तुम्हें इस रवैये को जड़ से खत्म करना होगा, और ये करने का एक ही तरीका है अंबा, दोनों भाइयों को अलग कर दो। आप सही कह रही है, मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, और यहाँ आने के पहले भी मैंने जो किया अब उसके लिए मुझे बुरा नहीं लग रहा। क्या किया? आई, मैं सब्जी ले आती हूँ बाजार से। सुन भाई, त्रंबक का दूध? दूध मैंने निकाल दिया है, त्रंबक की कसरत खत्म हो जाए तो आनंदी से कहिए उसे दे दे। कल की लड़ाई के बाद भी दमयंती वहिनी ने सारी मलाई त्रंबक दादा को ही दी। बहुत भाईचारा आपस में। देखती हूँ ये कब तक टिकता है।
अब तक तो त्रंबक दादा की कसरत पूरी हो गई होगी। अब जब दूध उनके हाथ में जाएगा तब मजा आएगा। आनंदी, दूध लाओ मेरा। ये लीजिए। आनंदी, ये क्या? इसमें मलाई तो है ही नहीं। और तुम जानती हो ना, कसरत के बाद मेरे लिए मलाई वाला दूध कितना जरूरी है। लेकिन दूध तो ताई बनाती है। पर बहनी तो हमेशा मेरे दूध में मलाई डालती थी, फिर आज क्या हुआ? आनंदी बहनी को दमयंती बहनी के बराबर इस घर में मान सम्मान अधिकार मिलता है, तुमको क्या समस्या है? क्यों पेट दुखता है उनका? ताई, अपनी सारी मलाई दादा को दे दी। बस आनंदी, आखिर क्या हो गया है तुम्हें? कल से आरोप पर आरोप लगा रही हो। मैंने हमेशा की तरह सारी मलाई त्रंबक के ही दूध में डाली थी। आपको लग रहा है मैं झूठ कह रही हूं? ये देखिए, आपने जानबूझ के मेरे पति को सादा दूध दे दिया, जबकि आप जानती हैं इन्हें मलाई की ज्यादा जरूरत है। अगर दादा के दूध में मलाई ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? अगर ऐसा है तो फर्क पड़ता है। जरा मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे पति मेहनत नहीं करते? उन्हें थकान नहीं होती? उन्हें ताकत की जरूरत नहीं है? दिन भर फसल की देखरेख करते हैं वो। अखाड़े में जितना पसीना बहता है उससे कई गुना ज्यादा पसीना वो खेत में बहाते हैं, और उसी मेहनत से ये दूध भी खरीदा जाता है और ये घर भी चलता है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अब तो सच उगल ही दिया है आपने, जता दिया है कि आप मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस घर में। मेरे पति से ज्यादा आपके पति महत्वपूर्ण है, और तो और गोपी से ज्यादा श्याम की अहमियत है इस घर में। हम लोग तो दूसरे दर्जे के हैं ना? आनंदी, तुम्हें कुछ तो हो गया है, वरना ऐसी बातें तुम नहीं कर सकती। क्या हुआ? आपको गलत फहमी है ताई कि इस घर में पैसा सिर्फ दादा की वजह से आता है, और इसलिए सारी चीजों पर सिर्फ उनका ही अधिकार है। इस घर में हर चीजों पर हमारा भी उतना अधिकार है जितना आपका। आनंदी, ये तुम क्या बोले जा रही हो? त्रंबक, समझाओ इसे। दमयंती उससे बड़ी है, क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं? पर शुरुआत तो वहीं ने की थी दादा। वो बड़ी है, अगर उसने कुछ बोल दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आनंदी अपनी मर्यादा भूल जाए। दादा, बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि छोटों से उनका हक छीन ले, उन्हें नीचा दिखाए। और आपने वो सुना जो मैंने कहा? आपने वो नहीं सुना जो इन्होंने कहा? आनंदी, मुझसे तो बदतमीजी कर ही रही हो, इनसे भी जबान लड़ाओगी? आपको मेरी बदतमीजी दिखी? अपनी चालाकी नहीं दिख रही आपको? आनंदी, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? अब
शोर? अब नहीं तो बाबा, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। क्या हुआ था? जोर जोर से आवाजें आ रही थी। कौन क्या कह रहा था ठीक से सुन भी नहीं पाई। सच कहूं गोदावरी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इस घर में। रात को अनबन हुई और अब तो बात और भी बड़ी हुई लग रही है। न जाने किसकी नजर लग गई है मेरे परिवार को। नजर वजर कुछ नहीं होता गोदावरी जी। साई, प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, फिर मेरे हंसते खेलते परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है? गोदावरी जी, ईश्वर अक्सर हमारी परीक्षा लेता है। समझ लीजिए ये भी एक परीक्षा का दौर ही है। इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपके बच्चों को आपके दिए हुए संस्कार याद रखने होंगे। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ आपके बच्चों की परीक्षा है, उनकी एकता की परीक्षा है। आपको केवल अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आज ये माला क्यों दे रहे हैं साईं? इसका क्या करना है? फिलहाल तो कोई कारण नहीं है, लेकिन जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ है, रोज एक कौड़ी को खींचकर राम जी का नाम लीजिए। इससे भी बुरा दौर? साईं, ऐसा क्या होने वाला है बताइए। गोदावरी जी, वक्त से पहले नियति के लेख को ना कोई समझ पाया है ना समझ पाएगा। यही ईश्वर की माया है। राम जी के प्रति श्रद्धा और सबूरी रखिए। बाकी अल्लाह मालिक। क्या है कौन जान पाए। सदा कैसी रही मौखिक परीक्षा? बहुत बुरी। मतलब क्या पूछा? कुछ भी, कहीं से भी पूछ रहे थे। लिखित परीक्षा के बाद तो ऐसा लगा कि मैं अव्वल आऊंगा, लेकिन ये तो इतना कठिन था, उत्तीर्ण होना भी मुश्किल है। ग्रह इतने जल्दी नहीं बदलते हैं, और हाथों की रेखाएं तो बिल्कुल भी नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें इस परीक्षा में सफल नहीं होने दे सकती। हे भगवान, उस लड़की की भी लिखित परीक्षा अच्छी गई थी, लेकिन मौखिक खराब।
कहीं अभ्यंकर गुरुजी की बात सच ना निकल जाए। बाबूराव चलो। बाबूराव तेंदुलकर जी बैठो। पहला सवाल, मधुमेह के क्या लक्षण हैं? हे भगवान, ये तो पढ़ा था मैंने, फिर याद क्यों नहीं आ रहा? साईं बाबा मेरी मदद कीजिए, ये डर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, सब भूल गया मैं, मदद साईं बाबा। बताओ बाबू। मदद साईं बाबा मदद। परीक्षा तुम्हारी है, जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? और जवाब तुम जानते हो बाबू, याद करो लिखित परीक्षा देकर जब तुम मुझसे मिलने द्वारका माई आए थे। प्रणाम बाबा। राम जी भला करें। बाबा आजकल भूख प्यास बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खाना भी बहुत खाता हूँ, फिर भी कमजोरी बनी रहती है, नजर भी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। ये लक्षण तो मधुमेह के हैं, पर चिंता मत करो, खाने में परहेज करना है, मीठा कम से कम खाना है, थोड़ा शारीरिक श्रम करो और भरपूर नींद लो। ये उदी ले लो, लो। शुक्रिया साईं जी। बाबू राव जवाब पता है? मधुमेह के लक्षण ज्यादा भूख प्यास लगना, थकान एवं कमजोरी होना, चक्कर आना और कभी कभी धुंधला दिखना। दूसरा सवाल, एक ऐसे मंजर की कल्पना करो जहां पूरे गांव को एक बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, वहां के लोगों को उल्टी दस्त हो रहे हैं, लोगों के पैरों में ऐठन है, जकड़न है और चक्कर भी आ रहे हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से उस गांव में कौन सी बीमारी फैली हुई है और तुम उनका इलाज करके कैसे उन्हें स्वस्थ करोगे? बाबू हाल ही में किसी के साथ इस विषय पर चर्चा हुई थी तुम्हारी, याद है? पता है बाबू, जब कुछ सालों पहले हर जगह महामारी फैली हुई थी तो सिर्फ शिरडी उस महामारी से अछूती रही। साईं की कृपा से हम सब सुरक्षित रहे, क्योंकि साईं ने हमें शुरू में ही उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी थी। बाद में हमें पता चला कि वो बीमारी गंदे पानी से ही फैल रही थी। इस गांव में हैजा फैला हुआ है,
ये महामारी पानी के दूषित होने से फैलती है, अर्थात यह जल जनित बीमारी है। इसलिए इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए मैं सभी गांव वालों से कहूंगा कि वे पानी को उबाल कर पिएं और अधिक से अधिक मात्रा में पिएं, ताकि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने से रक्तचाप गिर जाता है और उससे चक्कर आते हैं। बिल्कुल सही। अब बताओ मलेरिया का इलाज कैसे किया जाता है? जी वो बाबूराव, तुम हर सवाल सुनते ही एकदम से मौन क्यों हो जाते हो? उत्तर तो तुम्हें सभी आते हैं। कहाँ हैं आप साईं बाबा, आपके बिना मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारी दो बार मदद की मैंने, सिर्फ तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे मन मस्तिष्क में मौजूद हैं। अब तुम्हें खुद ही इस प्रश्न का जवाब देना होगा। बाबूराव समय जा रहा है, अगर तुम जवाब नहीं जानते हो तो कह दो। क्या था जवाब? क्या मैं कभी अपने डर को भगा नहीं पाऊंगा? सिंकोना पौधे की पत्तियों में क्यूनाइन पाया जाता है। इसका उपयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है। बहुत खूब बाबूराव, शुरू में तुम्हारा डरा सहमा हुआ चेहरा देखकर हमें लगा नहीं था कि तुम एक भी सवाल का जवाब दे पाओगे, लेकिन तुमने सबसे बेहतर किया। शुक्रिया। ये सब मेरे साईं बाबा के कारण संभव हुआ। मेरे साथ आज से तेरे सारे काम मैं करूंगी। लेकिन क्यों काकी? कितनी बार कहा है मैं तेरी आई हूँ? खबरदार अगर आज के बाद मुझे काकी या किसी और को आई कहा तो। चल
मन स्थिर नहीं है। क्या बताओ साई को, ये तो संत है, कहेंगे जो हुआ भूल जाओ, माफी दे दो। घर गृहस्थी की बातें इन्हें मैं नहीं समझा पाऊंगी। नहीं साई, कोई बात नहीं है। ये बेकार है। ये ठीक है। दमयंती और आनंदी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये घर हम सबका है, जहां चार लोग साथ रहते हैं वहां कभी कहां सुनी हो जाती है। जहां चार बर्तन होंगे वहां आवाज तो होगी ही, लेकिन ये आवाज घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी हुआ है उसे भूलकर एक नई शुरुआत करो। हमने तो हमारी गृहस्थी जी ली, अब इस घर का भार तुम दोनों के कंधों पर है। अब तुम दोनों को ही ये घर संभालना है, इसे संवारना या उजाड़ना ये तुम दोनों के हाथ में है। अब ये वाली खाद दे दो, ये बेकार खाद है। ये वाली दो, ये महंगी है पर सबसे अच्छी है ये, फिर इसे खरीदेंगे हम। ये वाली दे दो। जहां मेरी और मेरी पत्नी की इज्जत ना हो उस घर में मैं नहीं रुक सकता। मैं भी तुझ जैसे बदतमीज और मतलबी इंसान के साथ नहीं रह सकता। आखिर तुम दोनों को हो क्या क्या है? अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है। ये रोज रोज के झगड़ों से बेहतर है कि इस घर का बंटवारा हो जाए। साई, कृपा करके ये बंटवारा रोकिए। साई, उन्हें जो करना है करने दीजिए।